जन बलि है, बाहुबली नहीं है, जन बलि है। जनता का सेवा करना क्या बाहुबली होता है? मेढक जो होता है बरसाती, उसको टिकट भाजपा दे दिया। भगवान जो है हमारा जनता, आपकी सब कुछ रहे जमानत जब। आपकी पत्नी खड़ी है, कितना वोट से जीतेंगे? जब वो सब है ये नहीं कुछ है। हम चुनाव लड़ रहे थे हमको हराने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को 13 बार हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा था मुकाम। मुकामा में मोदी जी का आशीर्वाद मिल गया है हमें। मुकामा में जाके जो भी प्रॉब्लम है मुकामा में, वो मुकामा में जाके सब सॉल्व करेंगे। बाहुबलियों के बीच टक्कर की खबरें तो आप अक्सर सुनते होंगे, लेकिन आज की खबर बाहुबलियों की पत्नियों के बीच होने वाली भिड़ंत की है। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश उपाध्याय है और हम बात करने जा रहे हैं बिहार के मोकामा की, जहां के एक उपचुनाव ने सियासी तापमान गर्म कर दिया है। ये उपचुनाव कई कारणों से खास है। बाहुबलियों की पत्नियों के बीच टक्कर, जी हाँ, ये वही मोकामा विधानसभा है जहां के विधायक रहे बाहुबली अनंत सिंह का इस क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव रहा है। मोकामा विधानसभा सीट पर पिछले 17 सालों से अनंत सिंह का कब्जा रहा है। हाल में इनको कोर्ट ने AK-47 मिलने के मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी। उसके बाद अनंत सिंह की विधानसभा की सदस्यता चली गई, इसलिए मोकामा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। महागठबंधन ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि NDA ने नलिनी रंजन उर्फ ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। लोग इस चुनाव को दो बाहुबलियों की पत्नियों के बीच की टक्कर से जोड़कर देख रहे हैं। ऐसा 27 साल बाद हो रहा है जब BJP का कोई प्रत्याशी इस सीट पर सियासी मैदान में हो। 1995 में BJP ने आखिरी बार प्रमोद कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा था। उसके बाद से BJP ने गठबंधन के तहत मोकामा की सीट हर बार अपने सहयोगी दल को ही सौंपी है। बिहार में राजनीतिक परिस्थितियां भी बदली हुई है। CM नीतीश अब NDA छोड़ महागठबंधन के साथ हैं। बिहार में सियासी उलटफेर के बाद इस चुनाव में कहावत सच होती दिखाई दे रही है कि राजनीति में कोई किसी का अस्थायी दुश्मन नहीं होता है। इसलिए नेता अक्सर राजनीति में सिद्धांतों से समझौता करते हुए भी दिखाई देते हैं। JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद ललन सिंह मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान वो जनता के सवालों में फंस गए। सवाल ऐसा था कि सुनकर ललन सिंह ने सीधा जवाब नहीं दिया और भागते दिखे। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष एवं सांसद चिराग पासवान की NDA में वापसी हो गई है। BJP प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में चिराग पासवान NDA के लिए प्रचार करेंगे। हालांकि अभी तक चिराग पासवान की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। पूरा उपचुनाव में NDA गठबंधन साथ है और NDA गठबंधन के सारे नेता प्रचार कर रहे हैं। जो हमारे NDA गठबंधन के साथी हैं वह भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, करेंगे, और उसी योजना के तहत 31 और 1 तारीख को चिराग पासवान जी भी मोकामा और गोपालगंज जाएंगे। दोनों प्रत्याशी हर दिन डोर टू डोर लोगों से मिलने का अभियान चला रही हैं। इस दौरान दोनों के साथ कार्यकर्ताओं की पूरी फौज भी रहती है। महागठबंधन प्रत्याशी नीलम देवी के पास लालू, नीतीश और तेजस्वी का वोट बैंक है और उनके पति अनंत सिंह की वो ताकत भी उनके साथ है, जिसके बदौलत वो वहाँ निर्दलीय लड़कर भी हर पार्टी से जीतते रहे हैं। तो वहीं ललन सिंह और NDA प्रत्याशी सोनम देवी पहले भी अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अनंत सिंह को हरा नहीं पाए हैं। इस बार सोनम देवी के पास BJP, चिराग पासवान के लोजपा रामविलास के साथ पशुपति पारस के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का भी समर्थन प्राप्त है। प्रधानमंत्री मोदी का लोकप्रिय चेहरा और सूरजभान सिंह का साथ खड़ा होना सोनम देवी के लिए बड़ी ताकत है, लेकिन इन सब के बावजूद महागठबंधन प्रत्याशी को हराना काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। फिलहाल 3 नवंबर को मतदान है और देखना ये है कि आखिर जनता किस पर मुहर लगाती है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABP Live।